आप सबको सबत का सलाम कबूल हो। इस हिंदी ऑनलाइन वेस्प सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा आप सब आशीष पा रहे हैं। मैं आपके लिए पवित्र बाइबल में से एक गायत पढ़ना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ अपने बाइबल खोलिए, इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 16 इसकी 34 आयत। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, as we gather this evening to praise and glorify your name, I pray that you will send your Holy Spirit upon us. Be with the speaker of this hour, give them words from above that will inspire our hearts and will draw us closer to you. Heavenly Father, we want to thank you for your loving kindness and tender mercies in our lives. Please help us to keep the Sabbath day holy. In Jesus' name I pray. Amen.
वोल्डेंसियन सबसे वफादार लोगों के समूह के रूप में खड़े हैं। यूरोप के पूरे इतिहास में परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार और अत्यंत इम्तिहान के बीच वफादार, लगभग एक सहस्र वर्ष बार बार उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद 17वीं शताब्दी में वे अपने इतिहास के सबसे बुरी घटनाओं में से एक से गुजरेंगे। जनवरी 1655 में सोवे के ड्यूक ने निचली घाटियों में वोल्डेंसियंस को एक विकल्प दिया, या तो मास में भाग ले या घाटियों को छोड़ दे। समझौता करने के बजाय कुछ 2000 विश्वासियों ने बर्फीली नदियों और पहाड़ियों पर यात्रा कड़ाके की सर्दी में की, ताकि ऊपरी घाटियों में अपने साथी विश्वासियों द्वारा स्वागत किए जा सके। लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। उस वर्ष के अप्रैल में ड्यूक ने घाटियों में सेना भेजी और 24 अप्रैल की सुबह 4 बजे शनिवार को नरसंहार शुरू हुआ। केवल उन्हें मारने से संतुष्टि नहीं थी, सैनिकों और मठधारी जो उनके साथ आए क्रूस यातनाओं का आविष्कार किया। शिशुओं और बच्चों के अंगों को उनके शरीर से सरासर ताकत से फाड़ दिया गया। माता पिता को अपने बच्चों को यातनाएं और मरते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया, इससे पहले कि वे खुद प्रताड़ित हुए और मारे गए। पिताओं को अपने बच्चों के कटे हुए सिर को पहनने के लिए मजबूर किया गया जब वे अपनी मृत्यु के लिए जा रहे थे। कुछ मसीहों को उनके ही खेत में जोत दिया गया, कुछ को कोड़े मारे गए और जिंदा जला दिया गया, और कई लोगों ने इससे भी बुरा भोगा। मृत और जीवित शवों ने जमीन को ढक दिया। इस भयंकर नरसंहार से बचने के लिए सैकड़ों वोल्डेंसियंस एक बड़ी गुफा में भाग गए, विशाल पहाड़ कैस्टलुसो में। हालांकि हत्यारे सैनिकों ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें ऊपर तक ले गए। वह यहीं इस जगह पर लाए गए थे और किनारे पर फेंक दिए गए और नीचे चट्टानों पर उनकी मौत हो गई। मुझे विश्वास है कि पुनरुत्थान की सुबह बहुत से वफादार विश्वासी इस पहाड़ के नीचे इस घाटी में महिमा के लिए उठ खड़े होंगे। ये संदेश मिल्टन के प्रसिद्ध सोनेट में है, खूनी पीट मोंटीज, जिसने माँ और नवजातों को चट्टान से नीचे फेंक दिया। नरसंहार में बचे कुछ ही लोग थे, लेकिन उन्होंने एक साथ संगठन बनाया और पूरे यूरोप में ईसाइयों को मदद के लिए लिखा। उनके पत्रों में दिल को झकझोर देने वाले शब्द शामिल थे, हमारे आंसू अब पानी के नहीं हैं, वे खून के हैं। वे न केवल हमारी दृष्टि को अस्पष्ट करते हैं, बल्कि हमारे दिलों को दबा देते हैं। जब ओलिवर क्रॉमवेल, इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर, नरसंहार के बारे में सुना, उन्होंने वापस से राष्ट्रीय दिवस का आह्वान किया और वोल्डेंसियंस की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे एकत्रित किए। ये उत्पीड़न का एकमात्र उदाहरण नहीं था, ये 3.5 दशकों तक जारी रहा, 1655 से 1689 तक। इस दौरान आधे से अधिक को घाटियों से खदेड़ दिया गया था। तभी 1689 में हेनरी आर्नूड नोयॉन स्विट्जरलैंड से 800 योद्धाओं के एक बल सेना को सीमा पर वापस ले आया। सर्दियों में उन्होंने 4 अलग-अलग हमलों का मुकाबला किया बहुत बड़ी सेना से। वसंत ऋतु में पोप की सेनाएं 22,000 सैनिकों के साथ लौट आई। इस बार सिर्फ 400 पुरुषों के एक बहुत छोटे से वोल्डेंसियंस बल से लड़ने के लिए, तो भी वे फिर एक बार हार गए। और इतना ही नहीं, इस लड़ाई में 400 लोगों में से एक भी नहीं हारा। वे घाटियों में लौट आए, जिसे गौरवशाली वापसी कहा जाता था। उन्हें एक बार फिर से एक ऐसी जगह के रूप में पूर्ण प्राप्त किया जहाँ वे रह सकते थे और आराधना कर सकते थे। वोल्डेंसियंस का विश्वास, जो मुझे याकूब की याद दिलाता है, वह एक ऐसे लोग थे जिन्होंने कई शताब्दियों तक हमले और उत्पीड़न का सामना किया, 1000 साल के करीब। कई लोगों के लिए उनका विश्वास कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुआ। कभी कभी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और अपना जीवन उसको समर्पित कर देते हैं, और हम तब भी कठिन समय, परीक्षाओं और कष्टों से गुजरते हैं। जो कोई लोग कहते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, हम याकूब के समान विश्वास रखें, जिसने कहा, भले ही वह मुझे मार डाले, फिर भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर को पकड़ कर रखें, ये भरोसा करते हुए कि उसके हृदय में हमारे लिए सर्वोत्तम हित हैं।
प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर आप सबों को मसीह यीशु के नाम में सलाम। सबको सैबथ मुबारक हो, सबको यीशु सहाय। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये बेशकीमती समय दिया है कि हम एक बार फिर परमेश्वर के वचनों में से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने जीवनों को बेहतर बना सकते हैं परमेश्वर के वचनों के मुताबिक। मेरी अजीजों, मेरी उम्मीद है कि प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आज के वचनों के द्वारा आशीष देगा। इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब्राहम, इसहाक और यकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हो। आपने अपना अनुग्रह हम सबों के ऊपर किया कि हम जीवितों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। आपने हमें जिंदा रखा है और जो सौभाग्य दिया है कि प्रभु हम अपने आपके वचनों में से बातचीत कर सकते हैं। प्रभु, जब हम तेरे वचनों के ऊपर अपना मनन करते हैं प्रभु, आप हमारे हृदयों को खोलिए और हम सबों को अपने रूह से मसा कीजिए। तानो तेरे वचन जो प्रभु जी हमारी बेहतरी के लिए है और वो मनुष्य जाति के लिए है कि मनुष्य जाति जो है इन वचनों के मुताबिक अपना जीवन जिए। प्रभु, हमारे लिए कारगर साबित हो सके और हमारे जीवनों के लिए एक बेहतरीन हिस्सा हो सके। मेरे प्रभु, हम इस समय को और जितना भी समय हम आपके वचनों से बातचीत करते हैं आपके पवित्र और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, हम पे दया करें। मसीह यीशु के नाम से आप हमारी प्रार्थना को सुनें और ग्रहण करें, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि परमेश्वर की मौजूदगी जो है वो हम उसका एहसास कर सकते हैं। बाइबल की हर एक किताब में जब आप पढ़ते हैं तो आप बाइबल में जो है परमेश्वर की मौजूदगी जो है, परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, उसको आप एहसास उसका कर सकते हैं कि परमेश्वर मौजूद है। और परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के वायदे जो हैं बहुत सारे बाइबल में पाए जाते हैं, हम जो है उसके मुताबिक जो है परमेश्वर कहता है कि मैं सदा तेरे संग हूँ। ओके, तो परमेश्वर जो है हमेशा अपने बच्चों के, अपने लोगों के साथ रहता है। मेरे जो थोड़ी देर के लिए हम जो है परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करेंगे। आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो है परमेश्वर के वचनों में से आप लोगों के साथ जो है बातचीत करना चाहता हूँ पॉल के विषय में, जो पौलुस रसूल कहलाता है उसके विषय में जो है हम बात करेंगे, जिसको पहले सॉल कहा जाता है और उसका ही नाम पॉल भी है। ओके, तो उसकी जो आप देखें तो नए निजम में जो है टोटल 27 बुक्स हैं। ओके, और हम जो है उसमें पाते हैं कि उसमें से आधी किताबें जो है वो पौलुस रसूल की हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको ज्ञात है, आपको याद है, तो जैसे रोमियो की किताब, पहला और दूसरा क्रंथियंस, फिलेमोन की किताब, गलातियन की किताब और फिलिपियंस की किताब, और पहला और दूसरा थसलुनिकिया, और फिर इफिशियंस, कोलोशियंस, और पहला और दूसरा तिमोथी, और तीतस, टाइटस। मेरे जीजों, ये जो किताबें हैं हम देखते हैं कि ये 13 किताबें हैं। पहली और दूसरी पत्री को हम दो में गिनते हैं तो 13 किताबें पाई जाती है। मतलब हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज रिटन बाय पॉल। आधा जो बाइबल का नए नियम का किताब है वो पौलुस रसूल की पत्रियां पाई जाती है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं पौलुस रसूल के विषय में कि पौलुस का जीवन जो है कैसा है, पौलुस का जीवन जो है कैसा रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप उसका अध्ययन करें अच्छे ढंग से तो आप पाएंगे कि पौलुस जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा मनुष्य था, बहुत ही पढ़ा लिखा मनुष्य था और अपने धर्म का वो अच्छा ज्ञाता था। ओके, वो यहूदी था, उसको अपने धर्म की अच्छी समझ थी। बट मेरे अजीजों, उसका आप पहले का जीवन देखें तो आप पाएंगे कि जो उसका जीवन था वो मसीहियों को सताने का था। ओके, पहला जीवन उसका कैसा था कि वो मसीही लोगों को सताता था और परमेश्वर यीशु का, प्रभु यीशु का जो प्रचार करते थे उनको मारता था, और उसने जो है परमेश्वर के नाम का जो प्रचार था उसको रोकता था। मेरे जीजो, आज भी आप पाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो यीशु मसीह के प्रचार को रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया जा सके।
तो पौलुस का जीवन भी ऐसा ही था। बट मेरे जी, जो आप अगर देखें कि इन पत्रियों में पौलुस जो है वो कहना क्या चाहता है, वो क्यों जो है वो पत्र लिखता है। पुराने समय में पहले लोग जो है पत्रों के द्वारा ही पत्राचार होता था, उसी के द्वारा ही लोगों के साथ जो है कम्युनिकेशन होता था। मैंने लिखा और 15 दिन के या 20 दिन के बाद उसका उत्तर आता था और मुझे पता चलता था कि मेरे प्रिय कैसे हैं जिनको मैंने पत्र लिखा है। तो मेरे जो पौलुस रसूल जो है वो पत्र लिखता था, उसने जो है रोमियो की कलीसिया को जो है पौल का पत्र जो है वो भेजता है। वो बाइबल की छठी किताब पाई जाती है, नई नियम की जो है छठी पुस्तक है, और इसे जो है पौलुस रसूल के द्वारा लिखा गया था। मेरे प्रियो, पौलुस रसूल जो है वो रोमियो की कलीसिया को क्या कहना चाहता है, क्यों पत्राचार उसका हो रहा है, उसके वो पत्र लिख रहा है। जब वे कुरिन्थियन में लगभग 57 AD में था, जब वो कुरिन्थियंस में 57 ईस्वी में था, वे रोम में ईसाई चर्च को, मसीही कलीसिया को लिख रहा था। ओके, जो रोम में मसीही कलीसिया पाई जाती थी उसको लिख रहा था। जब वो स्पेन के रास्ते में था, वो उसकी उसकी यात्रा जो थी वो स्पेन के रास्ते में था, तो वो क्या कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है। ये उसकी पहली यात्रा थी, उसके वो रोमियो को तैयार कर रहा था। किस चीज के लिए? पौलुस रसूल जो है वो रोमियो के लोगों को, मसीही कलीसिया जो थी, मसीही लोगों को था, मसीही भाई बहनों को जो है वो तैयार कर रहा था, और उसमें वो अपने अपने जो समझ है वो उसका बयान करता है, मसीह धर्म के बारे में जो उसकी विषय में जो उसको समझ है। और ये कैसे जो है ईसाइयों को, ईसाई मेरे कहने का मतलब, जब भी मैं ईसाइयों का नाम लूं तो उसका मतलब हम मसीही लोग, वो मसीहियों के जीवन पर कैसे लागू होती है। वे यहूदी लोगों की अनूठी जो धार्मिक विरासत है को भी स्वीकार करता है, उसको भी वो मानता है। मेरे प्रियो, बट हम देखते हैं कि वो इस बात पर जोर देता है कि यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से ईश्वर से धार्मिकता आती है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के माध्यम से ईश्वर के द्वारा क्या आती है, धार्मिकता आती है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान लाते हैं, वो क्या है, वो धर्मी गिने जाते हैं ईश्वर की तरफ से, उसके उनको जो है धार्मिकता प्राप्त होती है। आप रोमियो की जो किताब है उसके विषय में देखें तो वो सबसे लंबी पत्री है उसकी, जो उसने रोमियो की कलीसिया को लिखी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पौलुस जो है, जो पहले मसीहियों को सताने वाला था, बाद में मसीह का प्रचार करने में लग गया। और जब जब उसका एनकाउंटर, यू नो दैट, आप जानते हैं सब लोग कि जब उसका सामना प्रभु यीशु से होता है, प्रभु यीशु से जब सामना होता है तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लाइंड हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज आती है उसको कि हे पौलुस, हे सौल, तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्रियो, सौल जो है वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है, यीशु मसीह से उसका सामना होता है। मेरे प्रियो, तो उसकी शिक्षा जो है वो ग्रहण करता है, गमलीएल नाम का जो जो परमेश्वर का जन है उससे उसकी शिक्षा होती है, वो ट्रेनिंग लेता है। मेरे प्रियो, जब उसका परमेश्वर के साथ सामना होता तो उसी घड़ी से वो परमेश्वर के प्रचार के कार्य में लग जाता है। ओके, जब वो परमेश्वर को देख लेता है, परमेश्वर को कुछ चख लेता है, जब वो उसकी उसकी मोहब्बत के बारे में जान लेता है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर है जिसने अपना जान जो है हमारे लिए दिया है, तो वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के कार्य में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के विषय में जो है अपना जीवन दे देता है, अपना जीवन जो वो पूरा जीवन लगाता है। आप जानते हैं कि जो पौलुस जो है वो डायरेक्टली जो देखें तो वो 12 चेलों में से एक नहीं था। बट आप अगर मुझे मुझसे आप पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर जो है नए नियम में जो है वो जो है मेरा सबसे पसंदीदा जो है वो व्यक्ति पाया जाता है, पौलुस रसूल जो है। मेरे प्रियो, वो पत्राचार के जरिए अपने जो लोग हैं, जो मसीही भाई बहन हैं, उनसे बातचीत करता है और उनको उनको अपनी जो चीजें जो उसकी समझ है मसीह में वो उनको बयान करता है, उनके साथ साझा करता है।
अगर देखें तो वो जोर देता है कि मसीह के ऊपर विश्वास लाने के, अगर आप रोमियो की किताब उसका अध्ययन करें तो उसमें पाया जाता है कि वो जोर देता है इस बात पर कि यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से क्या आता है, प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से धार्मिकता आती है। ओके, ईश्वर से धार्मिकता आती है। और मेरे जीजो, फिर वो कुरंथियन की क्लिसिया को, कुरंथियों की क्लिसिया को जो है वो पत्री लिखता है, अपना अपना पत्र जरा अपना लेटर जो है लिखता है, दो पत्र लिखता है, पहला कुरंथियन और दूसरा कुरंथियन। मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो उसमें उसमें जो है वो क्या कहता है, उसमें क्या वो बातचीत करता है, दोनों पत्र जो उसने लिखे, उसने कुरंथियों को पहला पत्र जो है इफिसुस में लगभग जो है 53 और 54 AD में, 53 और 54 ईस्वी में लिखा था मेरे प्रियो। और वो जो वो पत्र उसने लिखा है वो मसीही जीवन और विश्वास के सामने आने वाली कुछ समस्याएं जो है उससे संबंधित चर्च में जो अपनी अपनी पहली जो मिशनरी जो उसकी यात्रा थी वो उसके लिए वो लिखता है। जो पहली यात्रा के दौरान उसकी जो मिशनरी क्लिसिया जो स्थापित की गई थी जो है उसको लिखता है। पॉल की मुख्य चिंता जो थी वहां पे, वो क्रंथियन को क्लिसिया को जो लिखता है उसकी मुख्य चिंता क्या थी, उसकी मुख्य चिंता थी चर्च में विभाजन, चर्च में विभाजन, डिवीजन होना, धड़े बन जाना, मुख्य जो जो चिंता थी उसकी वो थी, और अनैतिकता के विषय में थी, और उसमें जो है वो सेक्स के ऊपर भी बात करता है, वो जो है व्यभिचारी के ऊपर बात करता है, व्यभिचार के ऊपर और विवाह के ऊपर, चर्च व्यवस्था, पवित्र आत्मा के उपहार और पुनरुत्थान के बारे में प्रश्नों को संबोधित करता है, वो चीजें जो है उसको अपने लेटर में संबोधित करता है। मेरे प्रियो, इस पत्र में जो है वो पॉल कहता है कि वे उन्हें प्यारे बच्चे के रूप में सलाह दे रहा है। He gives advice to the people, वो लोगों को जो है अपनी सलाह देता है। वो कहता है कि अच्छे बच्चे के रूप में, ओके, उन्हें प्यारे बच्चों के रूप में, प्यारे बच्चों के रूप में सलाह दे रहा है और उन्हें मसीह का अनुकरण करने के लिए वो कहता है कि उन्हें जो लोगों को जो है मसीह का अनुकरण करना चाहिए, मसीह का अनुकरण करने के लिए कहता है। जो पौलुस ने दूसरा जो जो पत्र जो है उसने मैसेडोनिया से लगभग 57 AD में लिखा, उसने 57 ईस्वी में जो उसने लिखा, इसमें भी सराहना करता है कि कैसे क्रंथियों ने उसके पहले पत्र का जवाब दिया। उसने कम से कम भी तो क्रंथियों की क्लिसिया को 4 पत्र लिखे थे, बट एक का उत्तर दिया उन लोगों ने। और वे कुछ लोगों के खिलाफ जो है अपने धर्म त्याग का जो है वो उसका बचाव भी करता है, आप देखें तो उसमें दूसरी पत्री में, जिन्होंने उस पर झूठे प्रेरित होने का जो है आरोप लगाया था, लोग जो है उसको झूठा प्रेरित जो है कहते थे। सो हम देखते हैं कि नए निजम में क्रंथियों के लिए पौलुस के केवल 2 पत्र है, हम देखते हैं पहला क्रंथी और दूसरा क्रंथी, 2 पत्र जो है उसके विषय में देखते हैं। इन पत्रों में के साक्ष्य से पता चलता है कि उसने कम से कम 4 पत्र जो है वो लिखे थे, अगर आप उसका शिष्य ध्यान करेंगे तो। और चर्च ने कम से कम एक बार उत्तर दिया, क्लीसिया ने कम से कम एक बार जो है वो उत्तर दिया, उसका जवाब दिया। आइए हम कुछ परमेश्वर के वचनों के ऊपर वो देख लेते हैं कि पौलुस जो है वो कैसी कैसी जो है वो बातें जो है उनसे कर रहा है। पहला क्रंथियों उसका उसका जो है 5 अध्याय उसका 9 वचन देखते हैं हम लोग, उसमें क्या कहता है परमेश्वर के वचन जो है वो क्या कहते हैं। पहला क्रंथियों उसका 5 का 9 जहां पे लिखा है, शरीर के विनाश के लिए शैतान को, 1 कुरिन्थियन 5:9 ओके, यहाँ 9 जो है जहां पे, सॉरी यहां पे 9 में मैं पढ़ रहा हूं, मैंने अपनी अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, व्यभिचारियों की संगति ना करना,
वो जो है अपने पत्र में जिसको उदित कर रहा है लोगों को, मसीही कलीसिया को जिसको उसने स्थापित किया है, कि कहता है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। मेरे प्रियो, उसने जे लिखा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने तुम्हें पत्री में लिखा कि तुम व्यभिचारियों की संगति ना करना। मेरे जीजो, अगर हम देखे थे, हम इस संसार में रहते हैं, तो मेरे प्रियो, संसार में जो है व्यभिचार, बहुत कुछ ऐसी गलत चीजें जो होती हैं, हम इस संसार में रहते हैं, तो ये संसार हमारे फिर तो रहने के लिए जोगे नहीं है। बट वो एक पर्टिकुलर मसीही कलीसिया को जो है संबोधित कर रहा है, मसीही लोगों को। क्या आज मेरे और आपके लिए ये वचन जो है मेरे लिए भी लागू होते हैं, आपके लिए भी लागू होते हैं? मेरे जो हम देखें तो ये हम मसीहियों के लिए ये वचन लिखे गए, मसीही लोगों के लिए लिखा गया कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, व्यभिचारियों की संगति ना करना। और हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:3-4, वहां पे क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:3-4, जहां पे लिखा है और मैंने ये बात तुम्हें इसीलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि वो पत्र लिखता है, वो लिखता है और क्या लिखा था कि मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर क्या है कि जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए, ओके, कि मैं उनसे उदास हूं। मुझे उसके कहने का मतलब है कि जब मैं मिलूं तो मैं मसीही लोगों को मसीह में पाऊं, मैं मसीही लोगों को मसीह में पाऊं, ना कि व्यभिचारियों की संगति या संसार के सदृश जो लोग हैं उनके 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 मुताबिक पाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उदास होना पड़े, क्योंकि वो मसीह से प्रेम करता है और मसीह के प्रेम को जानता है, मसीह के आनंद को जानता है, इसलिए वो कहता है कि मैं जमाऊं, मैं ऐसा ना हो कि मैं उदास हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम उस आनंद का हिस्सा हो जिसका मैं, बिकॉज उसने जो है मसीह को पहन लिया, उसने जो है मसीह को अपना जीवन दे दिया, और वो चाहता है कि जो मसीही लोग हैं जिनको मैंने मसीह के विषय में गवाही दी है, जिन्हें मैंने मसीह के विषय में सिखाया है, वो मसीह में पाए जाएं। और मेरे प्रियो, अगर हम इसी 2 कुरिन्थियों 7:8 पढ़े तो वहां पे देखते हैं क्या लिखा है, और ना केवल क्योंकि यदि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया, मैं कभी कभी ना एडमायर करता हूं, मैं देखता हूं कि पौलुस जो है उस समय इतने बढ़िया तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था। क्या लिख रहा है, हमें पत्र लिखना नहीं आता मेरे ख्याल से, हम कभी किसी को ऑफेंड करते हैं, कभी किसी को जो है वो लज्जित करते हैं अपनी बातों के द्वारा अपने, बट जहां पे हम पौलुस को पढ़ते हैं तो पौलुस का जो नम्र व्यवहार और उसका प्रेम जो है वो हम पाते हैं, बिकॉज उसने प्रभु के प्रेम को चखा है, प्रभु के प्रेम को पाया है, तो वो प्रभु का प्रेम जो है वो प्रभु से प्रेम करता है, और प्रभु का प्रेम जो है वो लोगों को देना चाहता है, ओके। हम देखते हैं, कहता है कि क्योंकि यदि मैंने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, जब मैं लिखता था कभी कभी मैं जब कभी हम किसी को जो है गुड़क देते हैं, किसी को जो है हम डांट देते हैं, तो क्या होता है कि लोग गुस्सा करते हैं ना, लोगों का मुंह बन जाता है, तो फिर कभी कभी हमें भी जो है यार हमने गलत कर दिया ना। बट जहां पे वो लिखता है कि क्योंकि यदि मैंने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्नी से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वे थोड़ी देर के लिए था, थोड़ी देर के लिए तुम्हें गुस्सा हुआ लगा हुआ। अब जो है वो अपनी पत्नियों के जरिए लोगों को मसीह के साथ जोड़ना चाहता है,
मसीह के साथ कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे जो है मसीह के लोगों को जो है चर्च में कलीसिया में जो है वो दड़े नहीं, कैसे एक बात होना चाहिए, कैसे मसीह में सब लोग जो है वो होने चाहिए। फिर उसका आगे का हम देखते हैं गलातियों के नाम उसने लिखा, जो गलातियों की कलीसिया है उसको उसका पत्र जो है वो लिखता है। ये जो है नवीन नियम की नौवीं किताब है जिसमें उसको पत्र लिखता है, और वो लिखता है इस प्रश्न, इस जो पत्र में जो है वो उस प्रश्न को संबोधित करता है जो इससे उत्पन्न हुआ कि नए परिवर्तित लोगों को खतना करने और ईसाई सच्चे मसीही बनने के लिए मुजायक में जो है कानून का, मुजायक का जो कानून है उसका पालन करना करने की आवश्यकता है या नहीं है, वो इस प्रश्न को जो है संबोधित करता है। उसमें पॉल ने पुष्टि की कि यहूदी कानून अब धार्मिकता का एकमात्र तरीका नहीं था, यहूदी कानून जो है वो धार्मिकता का एकमात्र तरीका नहीं था, और खुदा के साथ सही होने का एकमात्र तरीका जो है यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से था। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो है वो रखते हैं तो आप जो है परमेश्वर के बेटे और बेटे के लिए बेटियां गिने जाते हैं, आप जो है धर्मी गिने जाते हैं, आप जो है परमेश्वर अपनी धार्मिकता तुम्हें देता है। ओके, मसीह के सदस्य जो है हम बनते हैं, जब हम मसीह का अनुकरण करते हैं, मसीह को फॉलो करते हैं, तो हम जो है मसीह के समान बनते हैं। हमारा चरित्र जो है वो परमेश्वर के प्रभु यीशु के समान होना चाहिए। वो इन्हीं बातों के ऊपर जो जोर देता है, वो एक प्रेरित के रूप में अपने अधिकार का बचाव भी करता है। ओके, इस पत्री में देखिए हम गलातियों की, और इस बात पर जोर देता है कि उसकी बुलाहट जो है वो परमेश्वर की ओर से आई है, उसको परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है, ना कि किसी मानवीय अधिकार से। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने उसको जो है वो बल दिया है, सामर्थ्य दिया है कि वो क्या करे। पहले मसीहियों को वो सताता था, बट अब मसीहियों को वो प्रभु के पास, यीशु के पास लेके आता है, लोगों को अब जो है उन मसीह से जोड़ता है। मेरे जो बहुत ही प्रभावशाली जो है मसीही, अगर आप देखें तो मसीही जो कलीसियाएं हैं, मसीही जो लोग हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी का प्रभावशाली नाम आता है तो वो पौलुस रसूल है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पौलुस जो है उसने जोर देकर कहा कि जो है मिशन जो उसका था वो गैर यहूदियों के लिए था, गैर यहूदी जो है उनके लिए था। मेरे प्रियो, फिर वो जो है अपना इफिसियों के नाम पत्री लिखता है, इफिसियों के नाम हर कलीसिया को जो है वो पत्री लिखता है पत्र के द्वारा, क्योंकि वो खुद हर समय जो है नहीं जा सकता है, बट जो है वो क्या करता जाता है, परमेश्वर के नाम की स्थापना करता जाता है, मसीह के नाम की कलीसिया को एस्टैब्लिश करता है, आगे बढ़ जाता है। ओके, फिर दूसरी जगह पे जाता है, बट वो उन लोगों को छोड़ता नहीं है, वो उन लोगों को मसीह के साथ बांधे रखने के लिए वो क्या करता है, पत्रों का इस्तेमाल करता है, पत्राचार के जरिए उनके साथ बना रहना चाहता है और उन्हें मसीह के साथ जोड़े रखना चाहता है कि मसीह के, आज के हम देखें तो आज के जो हम जो कहते हैं कि हम प्रचारक हैं, क्या हम अपनी कलीसिया को एक रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं? हम अपने मसीह के साथ जोड़ने के लिए लोगों को जो मेहनत हमें, मुझे और आपको जो है पौलुस के साथ समान करनी चाहिए, क्या कर पाते हैं? मेरे जीजो, वो पौलुस जो है वो इफिसियों के पत्र, इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि यदि ये पत्र आमतौर पर जो है क्या कहा जाता है, पौल को जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। कुछ विद्वान जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि जे जो है पौलुस की पत्री जो है पौलुस ने नहीं लिखी है। कुछ लोग जो है डिबेट जैसे होती है, बड़े बड़े जो फिलोसफर्स जब इकट्ठा होते हैं तो वो डिबेट करते हैं, उनमें जो है इसमें डिस्कशन होता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि जे पौलुस के द्वारा जे नहीं लिखी गई है, जे पौलुस के जो पत्री जो है किसी और दूसरे शिष्य के द्वारा लिखी गई है। ओके, डिट्रो पॉलिन के द्वारा कुछ ऐसा, पौलुस के नाम पर उनकी मृत्यु के बाद उनके एक शिष्य द्वारा लिखा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि उसकी मृत्यु के बाद। मेरे से जो उसने बहुत सारी पत्रियां जो है उसने लिखी, मैंने आपको बताया, नाम बताए थे, रोमियो, क्रंथियों की पहला, दूसरा, इफिसियंस और फिलेमोन, सब लोगों को जो है उसने, तिमोथियस को उसने, कलीसिया को पत्रियां लिखी और इंडिविजुअल को भी पत्र लिखे। ओके, मेरे प्रियो,
हम देखते हैं, अगर हम देखें तो इफिसियों की जो कलीसिया थी उसको क्या लिखा था, उसके विषय में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देखते हैं इफिसियों की किताब उसका तीसरा अध्याय उसका 6 वचन हम देखते हैं जहां भी क्या लिखा है, तीसरा अध्याय उसका 6 वचन। तो जहां भी मेरे प्रियो जहां भी लिखा है अर्थात जे के मसीह यीशु में सुषमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के बागी हैं। वो एक शरीर की बात करता है मेरे प्रियो, एक ही देह और प्रतिज्ञा के बागी हैं। और फिर इसी का 4:15-16 देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 15-16 में, 4:15-16 में इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 15-16 वचन जहां पे लिखा है वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ एक साथ मिलकर और एक साथ कटकर उस प्रभाव के अनुसार हो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उससे में होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वे प्रेम से उन्नति करती जाए। ओके, अगर मसीह के लोग जो हैं वो एक मत होंगे, उनकी एक सोच होगी, मसीह के साथ होगी, मसीह के कार्य करने का जो है उनमें वो जुनून होगा, तो क्या होगा कि जहां पे लिखा है कि जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार हो जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उससे आता है और अपने आप को वे बढ़ाती है कि वे प्रेम से उन्नति करती जाए। अगर हम प्रेम के साथ रहेंगे तो हमारी कलीसिया उन्नति करती जाएगी जैसा परमेश्वर कहता है, तो हमारा दिन प्रतिदिन जो है जीवन बेहतर होता जाएगा और मसीह की समानता में डलता जाएगा। दिन प्रतिदिन जो है हम परमेश्वर के प्रेम के भागी होते जाएंगे और दूसरों को जो है जैसे पौलुस जो है प्रेरित करता है दूसरे लोगों को कि वो मसीह के पास आएं और एक कलीसिया जो है एक शरीर हो एक देह के समान हो, तो वैसे ही जो है हम सब जो है वो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। और 5:23 पढ़ना चाहता हूँ, ये इफिसियों की कलीसिया को उसने लिखे है, उसमें लिखा है 5:23 इसमें लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। ओके, क्योंकि पति क्या है, पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह क्या है, कलीसिया का सिर है। ईसाई जो मसीही लोग हैं वो उसका सर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं क्या है, देह का उद्धार करता है। कलीसिया जो क्या है वो है परमेश्वर की जो क्या कहलाई जाती है, दुल्हन। ओके, एक गीत है ना, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, वो भी कैसी प्यारी है दुल्हन, है ना। तो दुल्हन जो है वो तैयार होती है। तो मेरे प्रियो प्रभु जो है वो सर है कलीसिया का, मसीह जो है, और हमें जो है एक देह होंगे तभी तो सर होगा, अगर एक देह नहीं होगा तो सर कैसे होगा, है ना, फिर तो अलग अलग देह होगी अलग अलग सर होगा। बट मसीह का दास जो है पौलुस रसूल जो है वो लोगों से विनती करता है, लोगों को अपील करता है, लोगों से पत्राचार के जरिए जो है बातें करता है कि आप मसीह के साथ जुड़े रहें, आप में ये विभाजन ना हो, आप जो है विधवाओं की सुधि ले, आप जो है व्यभिचार में ना फंसे। मेरे प्रियो पौलुस जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी कलीसिया को मसीही लोगों को परमेश्वर के साथ बांधे रखने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध है और वो उसका काम ही यही है और वो परमेश्वर की ऐसी दौड़ दौड़ता है, कहता जैसी दौड़ मैंने दौड़ी। हम सब लोग जो एक दौड़ दौड़ते हैं, है ना, तो परमेश्वर दौड़ सब दौड़ते हैं, बट मेरे ऐसी जो जैसे दुनियावी दौड़ दौड़ते हैं तो उसमें अगर कोई जहाँ पे कोई इवेंट होता हो स्पोर्ट्स का तो उसमें अगर मैराथन दौड़े तो उसमें 1st, 2nd, 3rd आएगा, है ना। बट जहाँ पे मसीही दौड़ जो एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई विनर हो सकता है, ओके, हर कोई जीत सकता है। तो मेरे प्रियो पौलुस जो है अपने लोगों को जो है बड़े प्रेम के साथ बड़े, फिर उसने फिलिपियों की जो है फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखा। ओके, उसने जो है कलीसिया को जो है स्थिर करने के लिए कलीसियों की जो है कलीसिया है उसको लिखा है।
तो मेरे प्रियो, हम देखें थसलुनीकियों के कलीसिया को लिखा, बट मेरे प्रियो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि हम बोलते चले, बट यह है कि मेरे जीजो, मैं आप लोगों के साथ जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट और लूंगा और जो है फिर हम बंद करेंगे। बट मेरे जीजो तिमोथियस को लिखता है, तिमोथियस को जो है वो लिखता है, तिमोथियस को क्यों लिखता है, तिमोथियस को क्यों लिखता है, वो उसको जो है सलाह देता है कि यीशु मसीह का एक अच्छा अनुयायी कैसे बने। तिमोथियस को जो है वो पत्र लिखता है, इंडिविजुअल पत्र लिखता है, अब जहां भी कलीसिया को नहीं बल्कि तिमोथी को वो लिखता है कि एक अच्छा अनुयायी जो है मसीह का अनुयायी कैसे बने और विश्वासियों के विभिन्न जो है समूहों के प्रति उसके जिम्मेदारी क्या है। ओके, फिर तीतुस को लिखता है, तीतुस को भी इंडिविजुअल लिखता है, ओके, उसका पत्र लिखता है और वो जो क्या वहां पे उसको क्या लिखता है, उसको जो है टाइटस को जो है उस दयालु चित्र की याद दिलाता है जो एक चर्च के नेता के पास होना चाहिए, जो चर्च के एक सेवक के पास होना चाहिए। मेरे जीजो, उसको वो याद दिलाता है जो चर्च के एक पादरी के पास या एक मसीही जन के पास होना चाहिए और उसे सलाह देता है कि चर्च में विभिन्न समूहों को कैसे पढ़ाया जाए। ओके, कैसे पढ़ाया जाए। अभी अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी यूनियन की तरफ से एक पहल हुई है और उन्होंने जो है हर एक को जो है पढ़ाने का निर्णय लिया है अपने चर्च मेंबर्स को। ओके, कि हमारे चर्च के मेंबर जो है वो मसीह के वचनों को खुद पढ़े और जाने। तो जहां भी जो जो अगर आप उसको तीतुस को उसका लेटर जो है उसके विषय में पढ़ेंगे तो मेरे जीजो पाएंगे कि वो अपनी सलाह देता है कि अपनी चर्च में विभिन्न समूहों को कैसे पढ़ाया जाए। ओके, वो ऐसे ऐसे पत्र लिखता है कि कैसे करना चाहिए। फिलेमान का जो जो पत्र है फिलेमान को भी लिखता है। फिलेमान को ये आखिरी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उसके बाद हम जो है अपने विराम देंगे परमेश्वर के वचनों के जो इसके ऊपर है। मेरे प्रियो, फिलेमान की जो 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 फिलेमान है उसको जो है वो पत्र जो है 61 ईस्वी में जो है वो लिखता है, जो 61 ईस्वी है 61 AD में। ओके, रोमन जेल में रहते हुए जब वो रोमी जेल में था उसने उसको लिखा। कई लोग मानते हैं कि वो पहले का लिखा है बट यह है कि वो रोमियो की जेल में था उस समय जब उसने लिखा, आप भी अध्ययन कर सकते हैं। बट एनीवे, बट उसने उसको लिखा। पौलुस ने जे संक्षिप्त पत्र क्लूसे के एक धनी व्यक्ति जे क्लूसियों का रहने वाला क्या था इसका नाम फिलेमोन, जिसको लिखा उसने, फिलेमोन को लिखा उसने। और हम देखते हैं कि उसका एक दास था ओनेसिमस, तो उसने उसको जो है हम देखते हैं कि वो दास जो है भगोड़ा था उसका, जिसने उसके साथ अन्याय किया था। क्या किया था उसने, फिलेमोन ने अन्याय किया था। पॉल ने फिलेमोन से अपने दास के साथ मेल मिलाप करने के लिए वो लोगों को सलाह देखा है कि आप में विभाजन नहीं होना चाहिए, आप में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, आप जो है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर ले। मसीह जो है वो चाहता है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप करवा मेल करवाते हैं, वो चाहता है कि लोग जो है उसका उसका एक साथ जो है मेल में रहे, मेल मिलाप करें, एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहे। मेरे जीजों, ये जो पत्र लिखे आज भी मेरे और आपके लिए ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उन कलीसियों के लिए, आज की हमारी कलीसिया के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने वो पहले की फिलेमोन जे कुरिन्थियन की कलीसिया के लिए, इफिसियों की कलीसिया के लिए, जहाँ क्लूसियों की कलीसिया के लिए, थसलुनीकियों की कलीसिया के लिए थे। मेरे प्रियो, हम जो है देखते हैं कि पौलुस का मेरा और आपका जीवन भी जो हो सकता है बड़ा गुनाना हो। ओके, हम ये मत सोचे कि हम जो है पाप में अब तो हमारा निकलना या बाहर आना नामुमकिन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर पापियों के लिए आया, ना के धर्मियों के लिए। परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया, तो परमेश्वर आज भी आपको बुलाहट है परमेश्वर की। और पौलुस जो है उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि वो कैसे मसीह में आया। जब वो पहले था तो पहले मसीहियों को सताता था और बाद में प्रभु के लोगों को प्रभु के साथ जोड़ने लगा, मसीही लोगों को जो है उनकी अगुवाई करने लगा। पर मेरे जीजो, इन वचनों के द्वारा आप सबों को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष और बरकत दे। आइए हम जो है लास्ट में प्रार्थना करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, एक बार फिर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर
समय के लिए और इन वचनों के लिए जो बेहतरीन वचन जो है आपने हमारे जीवन में दिए हैं। हमें प्रभु इस योग्य बनाया है कि हम आपके वचनों को पढ़ने के लायक हो सके। आपके वचन जो है हमारे लिए, हमारे राह के लिए ज्योति है, दीपक का कार्य करते हैं। मेरे प्रभु उन्हें दे तेरे वचन सब समाज में मसीही लोगों के जो लिए है वो ज्योति बने और लोग जो हैं तेरे वचनों के मुताबिक जिए। प्रभु अरे प्रभु जी धन्यवाद तेरा एक बार फिर हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखने के लिए। और पिताजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग हमारे बीमार हैं, किसी वजह से परेशान हैं, आप उनको अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। आप दया कीजिए कि लोग जो हैं वो बीमारी के ऊपर और बीमारियों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर और जो है इस महामारी के ऊपर और प्रभु जी बुराई के ऊपर जो है वो विजय पा सके। अरे प्रभु जी आप हमारे दयालु परमेश्वर हो, आप हम पे और हमारी कलीसियाओं पे और हमारे लोगों के ऊपर दया अपनी बनाए रखे। और ख़ास करके जब तेरे वचन जे वचन बोले गए हैं, जब लोग इनको सुने, जे लोगों के लिए बेहतरीन हिस्सा हो सके और तेरा नाम जो है महिमा पाए। अरे प्रभु जी एक बार फिर हम अपने आप को, अपने लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को दया करके सुने और ग्रहण करें। खुदा अपने यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।